आज सदन के अंदर और बाहर भी विपक्ष हमलावर रहा और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने साफ तौर पर विधायकों को ये नसीहत दी है कि मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड के साहिबगंज की, जहां के सतकठिया कोल में 1300 मछुआरों को पुलिस सुरक्षा दी गई है, जिसके बाद मछुआरों ने आज पुलिस की मौजूदगी में मछली पकड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले दबंगों ने मछुआरों को मछली नहीं पकड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद मछुआरों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। सूचना पर आज पुलिस बल मुहैया कराया गया और पुलिस की देखरेख में मछली की वहां मछली पकड़ा गया। बहुत डरे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो हम लोगों का जान का खतरा है। इसलिए मैंने जिला प्रशासन को पत्र देकर पुलिस फोर्स का मांग किया है। अस्थायी तौर पे 2-3 महीनों के लिए अगर पुलिस व्यवस्था हो जाती है तो जलकर से जो भी मछलियां हैं उसको निकलने से सरकारी राजस्व और समिति का जो भी है सब। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अरविंद साहिबगंज से जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं आती है और जो फसल कई बार फसल कटवाने के लिए पुलिस सुरक्षा देती है और फसल को लाया जाता है, लेकिन यहाँ मछली मारने के दौरान पुलिस की तैनाती की गई है, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, यहाँ का जो सोसाइटी है, जो वो झारखंड डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी है, जो मछुआरों की सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में तकरीबन 1300 लोग जुड़े हुए हैं जो मछुआ परिवार के लोग हैं और उनके अधीन में 7 जलकर हैं। उनमें से एक जलकर ये सतकठिया कोल है और इसमें जो कुछ जो आरोप लगाया जा रहा है वो बलराम यादव है और वो दबंग चिट्ठी बताए जा रहे हैं कि वो जबरदस्ती उस जलकर से मछली मारने के लिए सोचते हैं। और इसी को लेकर जो उसके अध्यक्ष हैं, सभापति हैं अरुण चौधरी, उन्होंने उपायुक्त और एसपी को भी लिखित जानकारी दी थी कि मछुआरों को नहीं मारने दिया जा रहा मछली, और सिविल एसडीओ जो यहाँ के साहिबगंज के हैं और मुफस्सिल थाना में भी इसकी लिखित सूचना दी थी। और इसी जो आवेदन दिया गया था उसी आवेदन के आलोक में जो है सो पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था और पुलिस की उपस्थिति में वह जलकर जो कि सतकठिया कोल है वहां पर शिकार मांग की गई मछुआरों के लिए और ये तकरीबन 3 माह से नहीं मार पा रहे थे। ये लोग पूरे भय के साए में थे कि शायद वो किसी तरह का फिर आघात कर सकते हैं, इसलिए लगातार अनुरोध किया जा रहा था और उसके बाद ये मछली पकड़ा गया। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त संवाददाता